अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है ज़िंदगी वही सफ़र नया। मैं सलमा अजमल हाजिर अजमल के साथ आप लोगों का हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं बंस। ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट रेसिपी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सलमा अपना स्टील पात्रा लेके तैयार खड़ी हैं, तो आगे चल रही हैं सलमा मौस या केले को उठाते हुए और छीलेंगी अभी सलमा। और फिर क्या करेंगे सलमा? ऐड करेंगे। तो सलमा आप अपनी कमेंट्री कंटिन्यू करें। हाँ, तो हाजरा आज हम बंस बनाने जा रहे हैं। okay. तो और इसमें हमारा जो केला है अच्छा राइप वाला जाएगा, पका हुआ केला। okay. जितना पका हुआ रहेगा आपकी रेसिपी इतनी अच्छी बनेगी। ओके okay. तो यहाँ पर हम 3 केलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 2-3 आपकी मर्जी है, जितने मेंबर्स हैं आप बना लिए। और यहाँ पर मैं 1 केले को 2 चम्मच चीनी, ठीक है? okay. तो यहाँ पर मैं 6 चम्मच ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है बंस तो आप इसमें और 2-3 चम्मच। हाँ, लेकिन हमें इस मीडियम चलेगा ये। हाँ सलमा, तो ये होते ही मीठे हैं। हाँ, माउस की मिठास छोड़ेगा। और सलमा ने ना मुझे माउस को टच करने नहीं दिया, खाने के लिए नहीं दिया। 3 दिन इसको पकाया है सलमा ने। यस, क्योंकि ये ईजी होता है मैश करने में। सपोज टाइम नहीं है आपके पास ये करने के लिए, तो आप इसको जार में एक बार घुमाकर एकदम पेस्ट निकाल सकते हैं जरा। ओके। लेकिन ये करने से क्या है, इसमें थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। हाँ, हाथों से या आप कोई फोक से कर सकते हैं आराम से। इसमें चीनी भी खुल जाएगी आराम से और हमारा जो बनाना है अच्छे से मैश हो जाएगा। ओ, तो सलमा ये लिक्विड फॉर्म में होगा? हाँ, ये एकदम मैश ही रहेगा। ओके, तो अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अभी इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे और नमक और थोड़ा बेकिंग सोडा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर खट्टा दही रहेगा ना हाजिरा, अच्छे से हमारा डो जो है फर्मेंट होगा, तो आपका जो बंस होगा एकदम खिला खिला होगा। ठीक है? ओके, तो ये एक टिप हो गई ना। यस, और बंस हमेशा मैदे में बनते हैं हाजिरा, आप इसको गेहूं के आटे में नहीं बना सकते हैं। okay. और इसमें पानी कुछ नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो लिक्विड बना है उसके हिसाब से ही आपको आटा एडजस्ट करना है। ठीक है? ज्यादा okay. रनी भी नहीं रहेगा डो हमारा, ना ज्यादा सख्त रहेगा। okay. एकदम मीडियम जैसे आप बेकिंग करते हैं वैसा रहना चाहिए। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा है, क्योंकि रनी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 8 घंटे इसको भिगोने के लिए रखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले 1 कप के ऊपर मैंने आटा ऐड किया है, तो देखकर मैं ग्रेजुअली ऐड कर लूंगी। ठीक है जरा? ठीक है, मैं अपने व्यूवर्स को भी बताते चलूं। और ये और थोड़ा ऊपर से गया। हाँ, बिना पानी के सलमा ने इसको अच्छे से गूंद लिया। तो सलमा मास्टर शेफ का एक पड़ाव आप कर सकती हैं, ठीक है? बिना पानी के आपको रेसिपी बनानी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकती है आराम से, है ना? हाँ, देखो मैं ऐसे आइडियाज देती जाऊंगी, डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। ओके, यस, ठीक है देन। हाँ, तो ये ज्यादा ना रनी है, जैसे पराठे में बनाते हैं हाजिरा वैसे ही रखेंगे। तो इसको मिनिमम आप 8 घंटे या उससे ज्यादा 10 घंटे ऐसे रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह सुबह ही उठेंगे। हाँ, अभी कितने बजे बना रहे हैं, तो सुबह में हम 7 बजे ऐसे हो जाएगा, तो मिनिमम 8 घंटे हो जाएगा हाजिरा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज, शब खैर। और इसके ऊपर थोड़ा तेल ये करेंगे। अभी भी है? हाँ, तो कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि ऊपर से नहीं तो पदर आपकी ये हो जाएगी। ऊपर ठीक है, खत्म कर लो और ऊपर से थोड़ा बस, ताकि पदर हमारी जमे नहीं। तो चलिए मिलते हैं सुबह। चलिए, अल्लाह हाफिज सलमा। शब खैर। शब खैर सलमा। चलिए बाय बाय सलमा। सुबह हो गई मामू। तो यहाँ पर थोड़ा फूला भी है आटा, अगर आप देखिए हजरा जो हमने रखा था। यस, पहले सबसे पहले मैंने वही चेक किया सुबह सुबह। तो इसको निकाल लेते हैं। ओके, घमा घमा केले की खुशबू। हाँ, तो पहले आटा डस्ट करेंगे। ओके, इसको ये बंस की खूबी ही वही है ना सलमा। हाँ, केले का ही पूरा टेस्ट देगा। हाँ, जितना मतलब टेम्प्ट करता है आपको, वही फ्लैपी ही करूंगी आज। हाँ, तो जितना ये ज्यादा मोटा ही रहेगा हाजिरा, ठीक है? ओके, तो मीडियम साइज का मैंने लिया है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और छोटा सा ही इसको रोल करेंगे, ना ज्यादा एकदम बड़ा नहीं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म के लिए रख दिया है। हाँ, तो जैसे ही तेल गर्म होगा स्टार्ट करेंगे बनाना। सेम से रोटियों की तरह ही है, सिर्फ गूंदने में है ना इसका। हाँ, खूबी वही है।
तो यहाँ पर आप क्लोजली अगर हाजरा देखेंगे तो इसका इतना मोटा रखा है मैंने। ओके हाँ बिस्मिल्लाह। ओके और ये जितना मोटा होगा उतना मजे का होगा ना। हाँ, फूलेगा। ओके तो ये देखें फूल रही है, तो आपका आटा जबरदस्त गूंदा जा चुका है और ऊपर से इसे तेल डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हाजरा। ठीक है तो ये देखें बन के तैयार। सुनो यस सुनहरा हमारा कलर आया। आप चाहे तो डार्क भी रख सकते हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है डार्क से भी हाजरा। ओके तो देखिए इसको छन्नी पे निकालते जाएंगे ताकि अच्छे से जल्दी से ठंडे हो और सर्व करें। ओके और चलें तो ये सारे बना के हम मिलते हैं अपने दस्तरखान पे। ये हमारा आ गया बटर मिल्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक छोटी सी मजलिस की तरह एक यम्मी सा ब्रेकफास्ट सलमा ने जज़ाकअल्लाह खैर सलमा सजा दिया है। और हम इस सेटअप में आज क्यों खा रहे हैं सलमा, क्योंकि हमने बंस को अपने ऑफिस डेज में बहुत खाए एंजॉय किया है। वो बोलते हैं ना जैसे टपरी पे छपरी चाय की टपरी पे, वैसे हमने बंस पे क्या बोल सकते हैं सलमा, बंस पे छपरी पे बंस ऐसे कुछ बहुत से एंजॉय किए हैं। चलें उसी मेमोरेबल डे को दोबारा याद करते हुए हम इसको एंजॉय करते हैं। टेंशन आधा वीडियो आपने वो देखा होगा, आधा वीडियो ये देख लें वो क्या हो गया था। खाने के ठीक समय कोई इंट्रूडर्स आ गए थे, मेरी मेहमान आ गए थे, तो थोड़ा खाया है, थोड़ा शूट हुआ है, मतलब ऐसे वैसे हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छा व्यू आया था। जितना शूट किया है मैं वो भी लगाने वाली हूँ, आधा इसमें देखे आधा उसमें देखे, तो टेस्ट तो कर के क्या बोलते हैं सलमा बनता है ना। फिर से सलमा ने रमजान में बना लिया तो इसीलिए टेस्ट करूंगी। तो सारी रेसिपी जबरदस्त और खतरनाक शेयर की गई है, वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं मेड रेसिपी इन कर्नाटका हम कह सकते हैं ना सलमा। इडली डोसा के बाद में हर कोई इसको प्रेफर करता है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। एक बात कौन सलमा, चटनी ऑन स्पॉट है, मतलब जिस तरह से हमने हमारे मैंने कहा ऑफिस में खाया है ना सेम तड़का, बंस की स्वीटनेस ना बहुत सही है। तो सलमा मुझे लगता है आधा पार्ट में वो भी ऐड करने वाली हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत शूट हुआ है। हाँ। तो इसको यहीं पे खत्म करती हूँ, तो वो वाला क्लिप ऐड अप कर देते हैं सलमा। ठीक है चल चल बाय बाय, उसमें देखें पर हम दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और इंस्टा पे भी जिंदगी वही सफर है। चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।